नमस्कार दोस्तों, आज हम चने की भाजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने बहुत ही सरल सरल सी रेसिपी लेकर के आती हूँ। ये चने की भाजी हमने 250 ग्राम लिया है, जिसका डंठल तोड़ करके और अच्छे से बारीक काट लिया है। चावल धो करके रख लिया है। 1 चम्मच नमक लिया है, 2 बड़ियां और 2 हरी मिर्च और जीरा और थोड़ा सा मेथी दाना। अदरक और लहसुन को चॉप कर लिया है, 2 चुटकी हींग और ये सरसों का तेल लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गैस पे कढ़ाई रखेंगे और गैस को जला देंगे और कढ़ाई को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें डालेंगे तेल। सरसों का तेल का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें सरसों का तेल से ही चने की भाजी अच्छी लगती है। हम इसमें पहले बड़ी को तल करके निकाल लेंगे। कढ़ाई अच्छी गर्म हो गई है, ये देखिए हमारी बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल करके इसको रख लिया है। अदरक और लहसुन डालेंगे। अदरक और लहसुन आप इसे पीस करके भी डाल सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा चला देंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 2 काटी, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और अब यहीं पे हम डालेंगे ये आपने मेथी दाना और जीरा। उसमें ज्यादा मसाला नहीं ऐड करते हैं। डालेंगे हींग। हींग हमने 2 चुटकी ली है। हींग डालना इसमें जरूरी होता है, हींग के बगैर ये सब्जी बिल्कुल नहीं टेस्टी लगती है। और चावल धोकर के चावल लिए हैं और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फेंकेंगे। ये देखिए हमारा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा और सेकेंगे। ये चावल हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी भाजी। भाजी डालेंगे, पहले हम थोड़ी सी भाजी डालेंगे, पूरी नहीं डालेंगे। और इसे इस तरीके से भूनेंगे। अब हम जो बची हुई भाजी थी इसको भी डाल देंगे इसी में। ये देखिए पूरी डाल देंगे और इसे भी हम थोड़ी देर तक ऐसे भून लेंगे। हमारी भाजी भी भून गई है, हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है। और ये बढ़िया डाल देंगे इसी में और फिर से एक बार चला लेंगे अच्छे से। और गैस की फ्लेम को अब तेज कर देंगे। ये अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप गिलास से नाप करके भी ऐड कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कितना पानी रखना है। ये अभी इसमें पानी कम है, थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे। ये देखिए पानी हम थोड़ा सा और इसमें ऐड कर रहे हैं। ये भाजी में इतना पानी होना चाहिए जैसे अपन दाल में डालते हैं उसकी तरह। ये देखिए इतनी हमारी कितनी कम भाजी थी और इतना पानी आया है, क्योंकि इसको पकने में टाइम लगता है। और गैस की फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे। हम इसे ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को तेज ही रखा है। 10-15 मिनट बाद चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी भाजी पर बलकना चालू हो गई है, खोलने लगी है, अच्छी उबाल आ गया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमने 1 चम्मच लिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नमक। अब हम गैस को मंद कर देंगे और फिर से ढक कर के रख देंगे। धीरे धीरे इसको पकने देंगे। ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए। और इसको हमने 2-3 बार खोल खोल करके चेक कर लिया था। हम इसे फिर चेक करेंगे। ये देखिए जितना ये भी इतना पानी है, लेकिन हम इसको इस तरीके से करते रहेंगे और गैस को मध्य रखेंगे। थोड़ी देर इसको और ढक करके रख देंगे और बीच बीच में इसके खोल खोल करके और इसको इसी तरीके से हम करछी से घुमाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। और इसे हम ढक करके रख देते हैं। ये देखिए हमारी भाजी इस स्टेज पे आ गई है कि अब हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना है
और इसको ढक करके भी नहीं रखना है। अब बिल्कुल खोल करके इसे हम इस तरीके से चलाएंगे, कढ़ाई को पकड़ लेंगे कपड़े से या किसी चीज से और इस तरीके से चलाएंगे। इसको ऐसे नहीं चलाना है, बिल्कुल इस तरीके से मैश करते हुए चलाना है। इसे हम एक बार जरूर इस भाजी को बना करके आप ट्राई करिए कि ये भाजी हमारी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। ये देखिए हम इसको देख लेंगे, ये हमारी भाजी बन गई है। इसका टेक्सचर देख सकते हैं आप, इस तरीके से होना चाहिए। इसका मतलब हमारी भाजी पूरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। हमने इसे सर्व कर दिया है। ये हमारी चने की भाजी बनकर के तैयार है।